वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्लास टेंथ के जीव विज्ञान के चैप्टर वन जैव परक्रम का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पार्ट सिक्स देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट फाइव तक बन चुका है, अगर यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद आप कहिएगा भाई मज़ा आया। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, कार्बन स्वंगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश है। अगला क्वेश्चन है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ग्लूकोज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विघटन होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए जड़ रहते हैं? पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या रहते हैं? रंध्र, गैसों का आदान प्रदान के लिए। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है? पानी एवं घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण होता है। घुलित खनिज लवण का पौधों में स्थानांतरण जाइलम की नलिकाओं, पानी एवं घुलित खनिज लवणों जाइलम के द्वारा होता है। और फल बनने के बाद यानी कि भोजन बनने के बाद, पत्तियों में भोजन बनने के बाद वह सारे जगहों में किसके द्वारा बंटता है? तो फ्लोएम के द्वारा बंटता है। अगला है, पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण पौधों में किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? किस दिशा में होता है? ऊपर और नीचे दोनों ओर हो जाता है, ऊपर और नीचे दोनों ओर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होता है? जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम यानी कि मूल रोम जड़ से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होता है? किस ऊतक द्वारा संपन्न होता है? तो जाइलम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय में शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? ये धमनियाँ कहलाती हैं। और अशुद्ध सिराए में होती हैं, अपवाद में फुसफुस धमनी इसमें अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है और फुसफुस सिरा इसमें शुद्ध रक्त प्रभावित होता है, लेकिन धमनी में शुद्ध रक्त प्रभावित होता है और सिरा में अशुद्ध रक्त। अगला है, हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टॉल कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डायस्टॉल कहलाता है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्वसन। अगला है, मैग्नीशियम पाया जाता है लाल रक्त कण में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ये तो आप 9th में ही पढ़े होंगे, अर्धपारगमी की झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन सी राइट आंसर। दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? 4 वेश्म पाए जाते हैं। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया रोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग किस तरह का होता है? हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक हैं? क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन रात में होता है, दिन में होता है, रात दिन होता है, सुबह शाम होता है, तो ये दिन में होता है, सूर्य की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है।
वृक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। एक वृक में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो 1 मिलियन। निम्नलिखित में कौन सी एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कौन सी एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? CO2 एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में 4 विषम पाए जाते हैं। अगला है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मृत जीवी। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन की अभिक्रिया है। अगला है, रक्त क्या है? रक्त कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तक है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन ए, वृक्क। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग ऑप्शन सी, गिल्स। अगला है, भोजन का पचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन की अभिक्रिया है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ती में होता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसको ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला है, रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती हैं? पत्तियों में पाई जाती हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।